नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुथूट फाइनेंस पे अगर आपने गोल्ड लोन ले रखा है तो उसकी इंटरेस्ट या प्रिंसिपल उसका कैसे भर सकते हैं। आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल पे लिखेंगे मुथूट, इसको सर्च करने के बाद यहाँ पहला ऑप्शन आता है क्विक पे का। इससे आप इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और प्रिंसिपल भी इसी से पे कर सकते हैं। देखिए, इसको यहाँ से हमने क्रॉस काट देना है। यहाँ पे तीन चीजें हैं, लोन नंबर पता है तो आप लोन नंबर से, कस्टमर आईडी पता है तो यहाँ से, नहीं तो सबसे आसान तरीका स्मार्ट पे का। स्मार्ट पे पे जाएंगे, मुथूट में जो आपका नंबर रजिस्टर्ड है वो नंबर यहाँ पे डालेंगे और यहाँ से सेंड ओटीपी कर देंगे। उस फोन पे एक ओटीपी कोड आएगा, उस कोड को यहाँ डाल देंगे। उसके बाद कंटिन्यू स्मार्ट पे पे करेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो जो लोन ले रखे होंगे आपने, सबकी डिटेल आ जाएगी। जिस किसी का भी आपने इंटरेस्ट पे करना है, सबसे पहले उसके ये सामने वाले सर्कल पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे के ऑप्शन पे जाएंगे तो इसको यहाँ से काट देंगे। उसके बाद देखिए, ये आपका लोन नंबर है, ये लोन अमाउंट है 12,000 रुपए का लोन है। बैलेंस अमाउंट 12,244 रुपए है। पेबल अमाउंट है 12,194 पे। ऑनलाइन पे कर सकते हैं आप। उसके बाद ये 150 रुपए नीचे रखेगा, वो आप ब्रांच में विजिट करके पे कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, अब इंटरेस्ट दिखा रहा है 257 रुपए। यहाँ पे आपको, आप 257 भी पे कर सकते हैं इंटरेस्ट, अगर आपने पे करना है। आप यहाँ पे अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा है, आप 2,000 करके इंस्टॉलमेंट में कैसे भी पे करेंगे, ये आपके टोटल अमाउंट से कटते जाएंगे। तो आप जैसे आपको ठीक लगे आप कितनी भी अमाउंट कर सकते हैं। 12,194 रुपए आप पे कर सकते हैं टोटल। तो मैं यहाँ 257 रुपए पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रोसीड कर दूंगा। प्रोसीड करने के बाद देखिए, ये आ गया, 257 रुपए मैं पे कर रहा हूँ, तो कन्फर्म कर दीजिए यहाँ। अब ये आपके पास दो गेटवे हैं, एक पेटीएम है और एक टैग प्रोसेस है। आप किसी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं पेटीएम प्रोसेसर है, ये इनसे कुछ नहीं होता। नीचे से दोनों में ऑप्शन सेम ही आएंगे आपके पास, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने पेटीएम वाला सिलेक्ट करके प्रोसीड विद पेटीएम कर दिया है। उसके बाद आप भीम ऐप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ SBI की नेट बैंकिंग से कर रहा हूँ, तो यहाँ SBI सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद पे नाउ पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ से मैं अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन करूंगा, उसके बाद OTP आएगी और आपकी पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद एक प्रिंट आएगा, आप उस प्रिंट को संभाल के रखिए, उसको सेव भी कर सकते हैं आप। तो लॉगिन करते ही ये पेमेंट हो जाएगी, OTP डालने के बाद पेमेंट कंफर्म हो जाएगी।